बसमान डर व्यूअर्स एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सऊद सोलूशंस इज आवर लेक्चर नंबर टू सेलेबस डी बुक वन एक्सरसाइज सिक्स ए बेसिक लेवल हम आज सॉल्व करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर वन है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ़ ईच पॉइंट शोन इन द फिगर इस ग्राफ पेपर में आपको जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं वो पॉइंट्स आपने लोकेट करके बताने हैं पहले हम ज़िक्र कर लेते हैं इस ग्राफ पेपर में एक पॉइंट ई नज़र आ रहा है आपको जो एक्स की वैल्यू वन पे नज़र आ रहा है और वाई की वैल्यू वन पर तो इस को लोकेट करना है तो एक्स की वैल्यू वन होगी और वाई की वैल्यू भी वन होगी अब मुझे इस पॉइंट डी को लोकेट करना है तो एक्स डिस्टेंस कितना है यहाँ पर फोर है और वाई डिस्टेंस कितना है टू है तो ये पॉइंट हो जाएगा फोर कॉमा टू अब हम इस F पॉइंट को डिस्कस करेंगे F में इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है थ्री एंड वर्टिकल डिस्टेंस इस माइनस थ्री तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिख लेंगे प्लस थ्री फिर माइनस थ्री लिखेंगे इसका वर्टिकल डिस्टेंस इसके बाद यहाँ पर पॉइंट आपको सी नज़र आ रहा है पहले इसका हॉर्जोनटल डिस्टेंस मेजर करेंगे ज़ीरो से लेके थ्री और वर्टिकल डिस्टेंस है फोर तो ये हो जाएगा थ्री कॉमा फोर इसके बाद यहां पर आपको बी पॉइंट लोकेट करना है तो हॉर्जोनटल डिस्टेंस बी का क्या हो जाएगा माइनस टू और वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा फोर तो इट्स बिकम्स टू माइनस टू एंड फोर यहां पर देखेंगे तो ए पॉइंट है इसको लोकेट करना है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा माइनस फोर और वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा माइनस थ्री सो इट्स बिकम्स टू माइनस फोर माइनस थ्री सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर वन नाउ आई एम गोइंग टू question number 2 question number 2 is on a sheet of graph paper use a scale of 1 centimeter to represent 1 unit to draw the x-axis for values of x from minus 3 to 6 and the y-axis for values of y from minus 2 to 5 प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ क्वेश्चन नंबर टू में आपसे कह रहा है कि आपने एक्सक्सिस पर जो ग्राफ प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर उसमें स्केल लेंगे आप वन सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू वन यूनिट के बराबर इसी तरीके से वाई एक्सिस के लिए भी कह रहा है कि वाई एक्सिस में भी जो है वो आप वन सेंटीमीटर जो है वन यूनिट के बराबर लेंगे और पॉइंट्स उसने पहले से निकाल के आपको दे दिए जो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में उस ग्राफ पेपर पर जो फाइव स्मॉल बॉक्सेस बने हुए आते हैं वो आपके पास वन सेंटीमीटर के बराबर होते हैं अब हम यहाँ पर पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं यह मैंने यहाँ पर ग्राफ पेपर पहले से ड्रॉ कर लिया है अब मैं पॉइंट्स को लोकेट करना शुरू करूँगा और इस पर पहला पॉइंट ए टू कॉमा फाइव तो इसका मतलब टू कॉमा फाइव का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है पॉजिटिव टू है और वर्टिकल डिस्टेंस फाइव है तो टू पर जाकर मैं फाइव पर जाऊंगा इसको मार्क कर लूंगा इस तरीके से ये ए पॉइंट हो जाएगा टू कॉमा फाइव इज क्लियर एंड सेकेंड पॉइंट इज़ बी वन कामा टू इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस वन है और वर्टिकल डिस्टेंस प्लस टू है तो मैं वन पे जाके टू पे जाऊंगा इसको मार्क करूंगा ये मेरा पॉइंट बी हो जाएगा और मैं इसको लोकेट कर दूंगा वन कॉमा टू ये पॉइंट ए हो गया यहाँ पे लोकेट कर दें आप ए टू फाइव इसी तरीके से मैं सी पॉइंट को लोकेट करूंगा माइनस टू कॉमा माइनस वन तो हॉर्जोटल डिस्टेंस जो है वो माइनस टू है और वर्टिकल डिस्टेंस माइनस वन है यहाँ पे माइनस टू पर जाके माइनस वन पर आऊँगा ये लोकेट करूँगा ये मेरा सी पॉइंट हो जाएगा माइनस टू कॉमा माइनस वन इसके बाद मुझे डी पॉइंट को लोकेट करना है डी पॉइंट है प्लस सिक्स कॉमा माइनस टू प्लस सिक्स का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर ये यह सिक्स है यानी कि एक्स डिस्टेंस सिक्स है और माइनस टू यहाँ पर मैं आऊँगा तो ये आपके पास माइनस टू यानी कि ये डी पॉइंट हो जाएगा आपके पास सिक्स कॉमा माइनस टू इसके बाद ई e पॉइंट है मेरे पास थ्री कामा माइनस टू मैं एक्स डिस्टेंस पर जाऊंगा थ्री मिलेगा और वाई डिस्टेंस पर जाऊंगा तो माइनस टू मिलेगा तो मैं ये नीचे आऊंगा यहाँ पर और इस पॉइंट को मैं लोकेट कर दूंगा ई e के नाम से और ये हो 3, 2. F. F 1, 2, होगा थ्री कॉमा माइनस टू इसके बाद लास्ट पॉइंट इस एफ़ एफ माइनस वन टू यानी कि एक्स के डिस्टेंस माइनस वन होगा और y का डिस्टेंस प्लस टू तो यहाँ पे जाऊँगा मैं ये f को मार्क करूँगा और इसको लोकेट कर दूँगा माइनस वन कॉमा टू तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन टू को सॉल्व किया जो हमें पॉइंट्स दिए गए थे उन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में प्लॉट कर दिया और यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री की जानब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं ये फंक्शन से रिलेटेड एक सवाल है क्वेश्चन नंबर थ्री द इग्वेजन ऑफ अ फंक्शन इज वाई इक्वल टू फोर एक्स प्लस फाइव फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन नंबर वन पार्ट एक्स की वैल्यू थ्री हो तो वाई की वैल्यू क्या होगी मालूम करना है सेकेंड पार्ट में एक्स इजिकल टू माइनस टू सो सोलूशन गिवन फंक्शन गिवन फंक्शन यानी कि आपके पास सवाल दिया है y इज ईक्ल टू फोर एक्स प्लस फाइव इसको आप इक्विजन नंबर वन का नाम दे दीजिए आपने पहला पार्ट सॉल्व करना है पुट x की वैल्यू थ्री को पुट करेंगे इन एक्विजन नंबर वन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे थ्री पुट कर देंगे तो वन इज एम्प्लाइज एड y इज ईकल टू फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री प्लस फाइव फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री इज़ बिकम्स टू ट्वेल्व प्लस फाइव ट्वेल्व प्लस फाइव इज सेवेंटीन नाव वाई की वैल्यू आपके पास सेवेंटीन आ गई तो ये पार्ट वन आपने सॉल्व कर लिया है अब मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट पेज की जाने नाउ नेक्स्ट पेज

नाउ क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर भी रिलेट कर रहा है आपके पास फंक्शन के टॉपिक से क्वेश्चन नंबर फोर इज द इग्वेजन ऑफ अ फंक्शन इज वाई इजिकल टू टू ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू मालूम करें वेन नंबर वन पार्ट वाई इजिकल टू थर्टी फोर नंबर टू पार्ट इज वाई इजिकल टू माइनस फाइव Now, given function y is equal to 25 minus 3x is equation number one. Number one part is put y is equal to 34 in equation number one. इक्वेशन वन में आप y की जगह रिप्लेस कर दें थर्टी फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री एक्स एक्स की वैल्यू माइनस में है इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे प्लस का हो जाएगा प्लस 34 को उधर शिफ्ट करेंगे माइनस का ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी फोर बिकम्स टू माइनस नाइन थ्री मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिएगा थ्री थ्री जो नाइन सो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री या आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी फिर आपने सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है अब इक्वेशन में आपने y की वैल्यू माइनस फाइव पुट करनी है नाउ सेकेंड पार्ट पुट y इज इक्वल टू माइनस फाइव इन इक्वेशन नंबर वन वन इज अम्ब्लाइज माइनस फाइव ज टू ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री एक्स एक्स माइनस में है इसको इधर शिफ्ट कर करें थ्री एक्स ये माइनस फाइव को इधर शिफ्ट करेंगे प्लस का हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव बिकम्स टू थर्टी थ्री इज मल्टीप्लाइंग डिवाइड यू कैन डायरेक्ट कैंसिल आउट दिस थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाई टेन इज थर्टी सो एक्स बिकम्स टू टैन सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है मज़ीद नए सवाल के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सौ सोल्यूशन इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज